हाँ जी, राम राम जी। सारा ने आपका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। शाम के बज गए थे 5, आज बच्चे ट्यूशन नहीं गए क्योंकि ट्यूशन वाले ने कर रखी छुट्टी। छुट्टी इसलिए कर रखी है क्योंकि शादी का मौसम चला हुआ है, तो सब अपनी शादी की तैयारी में लगे हुए हैं, तो उनके भी घर में शादी है, तो इसलिए छुट्टी कर रखी उन्होंने 3-4 दिन की। और वही हम जब बैठते थोड़ी देर अपना कुछ बनाते रहते हैं, आपको बता रखा है मैंने पहले ही। और मेरे हाथ से हो गया एक नुकसान, 2-3 दिन हो गए, बाहर जाने का टाइम नहीं लग रहा। और ये वासु गली में चला रहा है साइकिल मस्ती में अपना, क्योंकि पढ़ना है नहीं, बहुत खुश है। और नुकसान ये था कि मेरा कुकर मेरे हाथ से गिर गया, ये वाला कुकर, ढक्कन नहीं, ये नीचे वाला कुकर गिर गया और यहाँ से ये बैठ गया। तब इसको दुकान पे लेके जाऊंगी और ठीक कराऊंगी। 2-3 दिन हो गए, जाने का टाइम नहीं लग रहा, इसलिए मैं और खुशी जाएंगे दुकान पर ठीक कराने के लिए। मैं कह तो मम्मी को रही थी कि आप जाओ ठीक से करा दोगे, पर मम्मी बोली मेरे चला नहीं जाएगा, तुम जल्दी जाओगे तो जाओ तुम। तो यही से मैं आपको बता रही थी कि हम जा रहे हैं अब दुकान पे, चलो चलते हैं, आपको भी ले चलती हूँ दुकान पे, कहाँ जाते हैं हम ठीक कराने। अब हम पहुंच गए हैं अपनी दुकान पे, क्योंकि मुझे पता नहीं था कुकर कहाँ ठीक होते हैं। गली में जो ठीक करने वाले आते हैं वो बिल्कुल चीज़ को ख़राब करके चले जाते हैं, इसलिए हमने गली में नहीं कराया। तो मैंने किसी से पूछा तो बताया कि दुकान पे होता है, वहाँ पे बर्तन वाली दुकान पे, तो मैं यहीं कुकर लेके आई हूँ। और मैंने अंकल को दिखा दिया कुकर, तो अंकल बोले कुकर को ये मेरे बर्तन साफ़ करते वक्त मेरे से गिर गया था, तो मैंने अंकल को बताया ऐसे ऐसे ये गिरा हुआ अंकल, तो ढक्कन में तो कोई कमी नहीं है। तो बोला कुकर गिर गया है तो यहाँ से बैठ गया है, ये हाथ लगा के बताया अंकल ने। बोले ये यहाँ पे ठीक नहीं होगा बेटा, ये तो फैक्ट्री में जाएगा, वहीं पे ठीक होके आएगा, क्योंकि सिल्वर का होता तो मैं यहीं ठीक कर देता, ये है स्टील का, तो ये फैक्ट्री में जाएगा, कल लेके जाना। तो मैं बोली ठीक अंकल, तो मैंने कुकर को वहीं छोड़ दिया। और शाम के बज गए थे 5, तो मैं लग गई थी सब्ज़ी बनाने आके, तो मैंने एक गिलास पानी चढ़ा दिया है अपने पतीले में उबलने के लिए, गर्म होने के लिए, क्योंकि कोई सब्ज़ी नहीं थी तो मेरे पास मैं लाने का टाइम नहीं लगा, तो इसलिए मैंने सोचा टमाटर से कोई सब्ज़ी बनाती हूँ। पानी हो गया गर्म और इसके अंदर डाल दूँगी मैं टमाटर, ये 8-9 टमाटर हैं मेरे पास, लाल लाल, बिल्कुल लाल वाले टमाटर, तो इनको इसके अंदर मैं ढक दूँगी उबलने के लिए। तो 10-15 मिनट ही लगती है उबलने में, और इनको मैं ढक देती हूँ उबलने के लिए, जब तक छिलका ना उतर जाए, जब तक मैं इनको गैस से नहीं उतारूँगी। तो देखो अब मेरा छिलका उतर गया टमाटर का बिल्कुल, और अब इनको मैं छलनी में से छान लूँगी, सारा पानी निकल जाएगा, और इनको मैं छीन लूँगी टमाटरों को, छलनी में से डाल देती हूँ इनको अब मैं। तो अब मेरे टमाटर ठंडे हो रहे हैं, जब तक मैं अपना कढ़ाई में तेल चढ़ा के तड़के की तैयारी कर लेती हूँ। इसमें कुछ भी नहीं डलेगा, सिर्फ जीरे जीरे का तड़का लगेगा, जीरा और हींग और एक साबुत लाल मिर्ची डालूँगी बस, क्योंकि मैंने जब कैमरा सेट किया तो मेरा कैमरा बीच में ही बंद हो गया, तो मैंने सोचा कि कैमरा चल रहा है, वो था बंद, मेरे साथ हो गया धोखा, तो इसलिए मैंने सबसे तो बता रही हूँ, मैं अपने आप से आपको बता दूँगी, सब्ज़ी कुछ नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल भी आसान सब्ज़ी है। मेरा तेल तो हो गया गर्म, और मैंने टमाटर छील के बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल इनको कूट लिया है, अच्छे से चम्मच से तोड़ लिया बिल्कुल, और कढ़ाई में तेल गर्म हो गया है। अब इसके अंदर मैं जीरा, हींग और एक साबुत मिर्ची डाल दूँगी, और वो पक जाएंगे तब मैं ये डाल दूँगी टमाटर पिसे हुए बिल्कुल अच्छे से। और अब मैं इसके अंदर कर दिए टमाटर में मसाले ऐड, जैसे नमक, हल्दी और धनिया, सिर्फ 3 चीज़ें डाली मैंने इसके अंदर, हल्दी, नमक, धनिया, और इनको अच्छे से मिला दूंगी अब मैं, क्योंकि मेरा कैमरा हो गया था बीच से बंद, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ हल्दी, नमक और धनिया 3 चीज़ें डाली मैंने अभी, तो और इनको खूब अच्छे से मैं मिला दूँगी, मैश कर दूँगी अच्छे से, और अब इनको ढक दूँगी 15 मिनट के लिए, जब तक टमाटर तेल ना छोड़ दें।
इसलिए मैं ओवन को ढक के 15 मिनट के लिए खूब पका दूंगी। अभी मैंने हरी मिर्ची, इसके अंदर वैसे तो लाल मिर्ची पीसी हुई डलती है क्योंकि इससे अच्छा और भी कलर आता है, लेकिन नहीं खाते हैं यहाँ पे ज़्यादा लाल मिर्ची, तो इसलिए इसके अंदर मैं रफली सी मोटी मोटी कटी हुई हरी मिर्ची ऐड करूँगी ताकि पूरा गले भी ना और बच्चे वाले सारे इसको निकाल दे और इसका थोड़ा सा चरचरापन भी सब्ज़ी में आ जाए। इसलिए मैंने मोटी मोटी हरी मिर्ची काट के डाली हैं और इनको अब 10 मिनट के लिए फिर ढक दूँगी ताकि अच्छे से मिर्ची भी थोड़ा सा रस छोड़ दे अपना और मसाले भी सारे पक जाएँ। तो अब मेरी सब्ज़ी बिल्कुल पकने वाली है, तेल छोड़ दिया सारा सब्ज़ी ने, देखो बिल्कुल सब्ज़ी बन गई है मेरी। इनको अच्छे से तोड़ देती हूँ बीच बीच में मैं, क्योंकि कोई गुटनट रह गया है मेरी सब्ज़ी में। और अब मैं इसको 10 मिनट के लिए और ढक दूँगी क्योंकि टमाटर अच्छे से पक जाए मेरे। तो देखो सब्ज़ी मेरी गई है पक, और अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा गुड़ ऐड कर दूँगी, उससे बहुत अच्छा स्वाद हो जाएगा सब्ज़ी का। तो थोड़ा सा गुड़ तोड़ के अच्छे से बिल्कुल, या तो बिल्कुल फोड़ के डाल दूँ, मैंने तो हल्का तोड़ के डाल दी क्योंकि गर्म टमाटर रखें तो जल्दी गल जाएगा ये बिल्कुल। तो मैंने इसको ऐसे ही तोड़ के डाल दिया और 10 मिनट के लिए इसको और ढक दूँगी ताकि सब्ज़ी में टमाटर अच्छे से, ये यानी कि गुड़ अच्छे से घुल जाए और सब्ज़ी अच्छी बन जाए। तो देखिए मेरी सब्ज़ी कैसी बनी है, बिल्कुल कितनी स्वाद है खा के देखना, परांठे के साथ, पूरे के साथ, यानी कि सब्ज़ी के रोटी के साथ बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी है मेरी। और आप ही बनाना और मेरे को बताना कैसी बनी है सब्ज़ी, बना के देखना ज़रूर। तो ये थी मेरी आज की सब्ज़ी और मैंने डाल दिया हरा धनिया ऊपर से। अब इसके बाद मैं बना दूँगी रोटी और इसके पापा के लिए बनाऊँगी सब्ज़ी, क्योंकि उनको ज़्यादा टमाटर खाने नहीं है अकेले वाले, तो उनके लिए थोड़ी दाल बना दूँगी मैं और रोटी सेक दूँगी। ये था मेरा आज का ब्लॉग, प्लीज़ बताना कैसी बनी मेरी सब्ज़ी। राम राम सारा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।